हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10 का हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 सवैये जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ये चैप्टर ऑलरेडी हमने देख लिया है। मेरा इस चैप्टर के ऊपर जो वीडियो है ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, जिससे आपको ए आंसर्स समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? तो इसका उत्तर आता है, मनुष्य के रूप में जन्म मिलने पर रसखान गोकुल गांव में ग्वालों के साथ बसना चाहते हैं। नंबर 2 है, पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं? तो इसका आंसर आता है कि पशु के रूप में कवि नंद की गायों के बीच निवास करना चाहते हैं। नंबर 3 है, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? तो आपको पता है कि पोयम में ये बताया गया है कि वो उनको कौन से पर्वत के पत्थर बनना है, तो रसखान को गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना है जिसको भगवान ने उठाया था, आपको याद है, तो इसका आंसर इतना आता है। नंबर 4, पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं? तो इसका उत्तर आता है, पशु योनि में जन्म लेना कवि के वश में नहीं है, परंतु कवि इतना ही चाहते हैं कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। नंबर 5 है, 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख कहाँ प्राप्त होगा? तो इसका आंसर आता है, 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख नंद की धेनु चराने से प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि रसखान श्री कृष्ण की लाठी और कंबली पाने के लिए क्या क्या त्याग करने को तैयार है? तो इसका आंसर आता है कि कवि रसखान श्री कृष्ण की लाठी और कंबली को पाने के लिए आकाश, पाताल और मृत्यु, ये तीनों लोकों का राज्य त्यागने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है, गोपी गले में किसकी माला पहनना चाहती है? तो आपको पता है चैप्टर में दिखाया गया है कि क्या करना चाहती है, वो किसकी माला पहनना चाहती है, तो आंसर आता है, गोपी गले में गुंजों की माला पहनना चाहती है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर आता है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम यमुना नदी है। ओके फ्रेंड्स, तो इतने सारे क्वेश्चन हमने देख लिए है, आप इसको देखिए और लर्न कीजिए, और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए ताकि मैं आपको इसके आंसर दे सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप प्लीज नए हैं तो मैं फिर से कहती हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की लिंक आपको आसानी से मिलती रहे।